ऊपर से बीएम वाले स्पेशल दे दो तो काफी अच्छा रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और अभी हूँ मैं गणेश बोंडे जी के साथ। हम हैं यूपी अमेठी में चिलूली गांव में और ये है तहसील तिलोई जिला अमेठी। यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर चल रहे हैं किसानों के अपना मेरे से और गणेश बोंडे जी से। आप लोग सुनिए जो आपके भी काम आने वाले हैं। आप यहाँ बैठ जाओ और जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं इनको ध्यान से शांति से रिकॉर्ड करो। नहीं, ये चीज़ें ऐसी दिमाग में नेगेटिविटी कभी भी लाओगे कोई जो बोलेगा उसकी तरफ तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी। जी जी, मुझे केला लगाना है तो मैं बेस्ट से बेस्ट करूँगा। आज से ये तो मट्टी तो उसमें अटक जाएगी। नहीं, ये चीज़ें तो मैं कर ही नहीं चाहता हूँ तो होगा ही, हो सकता है बराबर है कि नहीं। हमें उसको तोड़ देना है। जैसे आप यही के यही बोल रहे हो कि वो मट्टी वाला मैं करता हूँ तो परेशानी आती है, यही के बोलते कोई परेशानी नहीं। अभी मैं किसका हाँ मानूँ? हमने खुद ट्रायल किए हुए हैं तब हम लोगों को नीचे बताते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में गोलियाँ फायरिंग चल रही है, हम खुद हमारे खेतों में एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, वो पूछना चाहिए आपने कि भैया मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है मैं क्या करूँ, तो क्या का जवाब देने वाला मैं। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने इतने सारे लोग बैठे हैं जिन दोनों मेरे कॉन्टेक्ट में हैं कि मुझे मैसेज या कॉल की और मैंने रिप्लाई नहीं किया हो? नहीं, कोई एक आदमी बताओ हम तो नहीं है कि 24 घंटे निकल गए साहब हमें जवाब नहीं दिया। रात में भी अगर फोन किए हैं तो नहीं 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 अच्छा, ऐसी सेवा कहाँ मिलेगी? और पैसा किसी से मांगा हो तो वो भी बताओ। आपने तो अपना रेवा आप लगा रहे हैं, अभी तक तो नहीं था। कितने रुपये लिए आपसे? मुझे क्या लालच है? तो ऐसी सेवा कहाँ मिलेगी? कोई दिमाग में कुछ चला है तुरंत फोन, जहाँ से पौधे लाए उसको कॉल करो तो कॉल करना मुश्किल है। अरे सगा भैया नहीं देगा जवाब यार, बाकी के तो आप बात छोड़ दो। जो खास दोस्त हो उसको फोन करके देखना 10 बजे के केले में दिक्कत है बता दो, वो क्या बोलेगा? बोलो भैया सुबह बात करना यार। इसमें ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, आपको पता है ये राहुल भाई को खड़ा होना, गणेश को मार्केट में खड़ा होना, बाहर मार्केट में आना, ये हो क्यों रहा है पता है क्या? आप में से शायद अभी जो 20 से 15 लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, इसमें से एक बंदा हमें फॉलो करके आगे निकल के आए जो किसानों को मदद करने के लिए तत्पर रहे या सक्षम रहे, तो हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी यहाँ पे। जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें हर जगह पे राहुल जैसा व्यक्ति चाहिए, गणेश जैसा व्यक्ति चाहिए, बलराम किसान जैसा व्यक्ति चाहिए जो किसानों के हित में ही काम करे। वो व्यक्ति नहीं चाहिए कि मैं किसान की जेब से 10 रुपये निकाल के कैसे जाऊँ। आज मार्केट में स्कूल में या जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, क्या उसमें हमारे जो बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे हैं वो किसानों के मदद के लिए निकल रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नहीं, सब अपना उनको पढ़ाई लिखाई करते समय ये बताया जाता है, उनको 0050 का ये भी नहीं पता है। MSc BSc वो एग्रीकल्चर बाहर निकल के आते हैं, उनको 13045 ये सारी चीज़ें ये पता नहीं होती है। उनको बेचना क्या है वो पता है जी, उसके रेशो क्या होते हैं, वो कब डालना चाहिए, ये चीज़ें पता नहीं होती है। हाँ, 100 में से 2-4-5 व्यक्ति ऐसे रहेंगे उसने खुद मेहनत करी है, किसान का लड़का है, उसको लगता है कि मैं इस चीज़ में पूरा कम्प्लीटली किसानों की मदद के लिए आया हूँ, ठीक है, उसके साथ पेट के लिए 2 पैसे लगते हैं तो वो बेचना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा खेती भी नहीं होगी, बराबर है कि नहीं जी। तो आप में से मुझे ऐसे व्यक्ति निकाल कर लाना है जो आगे चल के समस्या देख के उस फसल को रिपेयर कर सके। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक है और बड़े कोई